हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टोसिली एंड इरिथ्रोसिली, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि सिस्टोसिली होता क्या है एंड इरिथ्रोसिली होता क्या है, इसके कॉजेस क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसका हम क्या हम डायग्नोसिस करते हैं। इन सभी के बारे में, इसके रिस्क फैक्टर से लेकर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, ये सभी के बारे में बात करूंगा। अगर आप फ्रेंड्स हमारे चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जरूर जाकर देखें। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे जिसमें डिजीज, हॉस्पिटल से रिलेटेड नॉलेज और बहुत सारे प्रोसीजर, ये सभी मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि सिस्टोसिली किसे बोलते हैं एंड इरिथ्रोसिली किसे बोलते हैं, जिसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टोसिली है क्या। बोला गया सिस्टोसिली इज द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लड इनटू द वजाइना। बोला गया कि सिस्टोसिली किसे बोलते हैं कि जब जो हमारा जो ब्लैडर है वो अगर वजाइना में डाउनवर्ड आ जाता है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोसिली बोलते हैं। बात करते हैं यूरेथ्रोसिली के बारे में कि सेम जिस तरह से यूरेथ्रोसिली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रा इनटू द वजाइना, कि जब यूरेथ्रा जब किसमें डाउनवर्ड हो जाता है या वजाइना के पार्ट में जब आ जाता है तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रोसिली बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग जाने कि सिस्टोसिली किसे बोलते हैं एंड यूरेथ्रोसिली किसे बोलते हैं, कि जब भी कोई फीमेल्स में अगर सिस्टोसिली की बात करें कि अगर जो हमारा जो फीमेल्स का जो ब्लैडर है अगर वो वजाइना में डिस्प्लेस हो जाता है, डाउनवर्ड आ जाता है तो इस चीज को हम लोग सिस्टोसिली बोलेंगे, और अगर वही यूरेथ्रा अगर डाउनवर्ड वजाइना में आ जाता है इस पार्ट में तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेथ्रोसिली बोलते हैं। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, क्या इसका मेन मेन कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसे होने के कारण। तो सबसे पहला बात करते हैं प्रेगनेंसी, जब मदर्स प्रेगनेंट होती है जिसके कारण से, वजाइनल चाइल्ड बर्थ के कारण से, और ओवरवेट, ओबेसिटी या फिर रिपीटेड हैवी वेट उठाने के कारण से। ये सभी के कारण से क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि जो यूरेथ्रा का जो साइज है वो क्या होता है, उसका वेट भी बढ़ जाता है, साइज भी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी डिसएबनॉर्मलिटी के कारण से अगर उसका जो लिगामेंट जो उसको पकड़ कर रखता है अगर वो कैसा हो, कमजोर होता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, नीचे डाउनवर्ड की ओर आने के चांसेस होते हैं। या फिर अगर वजाइनल चाइल्ड बर्थ हो रहा है जिसके कारण से, या फिर ओवर वेट ओबेसिटी हो जाने के कारण से, और मैंने तीसरा होता है रिपीट, अगर बार बार हम क्या कर रहे हैं, वेट रिपीट को जो फीमेल है वो बढ़ा रही है तो जिसके कारण से यह देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर इन सभी केसेस में मिलता है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में कि ये कौन कौन से कारण की वजह से होगा। तो सबसे पहला ओस्टियोमा टू फेसियाई मसल्स एंड लिगामेंट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, मैंने अभी बताया था ओस्टियोट्रॉडिक ट्रॉमा करने का मतलब कि जब बर्थ के दौरान में अगर कोई भी दिक्कतें वगैरह हो जिसके कारण से क्या होता है, मसल्स और लिगामेंट है वो चाइल्ड बर्थ के कारण कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, तो जिसके कारण से क्या होगा, वो सही से पकड़ नहीं पाएगा और इसके कारण से क्या होगा, लूज होने की वजह से जो हमारा जो यूरेथ्रा है वो डाउनवर्ड वजाइना में आ जाता है फीमेल्स का, और जो या फिर जो ब्लैडर है वो क्या होता है, बेबी के साथ साथ क्या होता है, डाउनवर्ड भी कहां जाता है, वजाइना पार्ट में आ जाता है। तो जब ब्लैडर वजाइना पार्ट में आता है उसको सिस्टोसिली बोलते हैं, और अगर वही जो यूरेथ्रा है अगर डाउनवर्ड वजाइना में आता है तो उसको यूरेथ्रोसिली बोलते हैं। बात करते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के कारण से और आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी के कारण से। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है कि जब यूरेथ्रा को बाहर निकाला जाता है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। तो ये सभी फ्रेंड्स कॉजेस थे जो सिस्टोसिली होने का और यूरेथ्रोसिली होने का। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और डायग्नोसिस क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास से। सबसे पहला दिखेगा ए फीलिंग ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन द पेल्विक एंड वजाइनल, जो वजाइना है और पेल्विक रीजन है उसमें आपको कैसा फुलनेस देखने को मिलेगा कि कोई प्रेशर दे रहा है उस तरह का फील होगा। कब, जब आप खड़े रहेंगे लंबे टाइम तक तब उस टाइम पे फीमेल्स को ये फील होता है, ठीक। फिर उसके बाद बात है कंटिन्यूअस अर्ज ऑफ यूरिनेटिंग, लगातार यूरिन पास आउट होते रहेगा तो ये होगा। पेन एंड यूरिनरी लीकेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करेंगे तो उस टाइम में फीमेल्स को पेन होगा और यूरिनरी लीकेज देखने को मिलेगा।
फिर बोला गया इनकम्प्लीट इम्पिटिंग, जब भी यूरिनेशन वगैरह करेंगे तो पूरी तरह से इम्पिटी नहीं होगा, जस्ट करके आएगा, फिर ऐसा रहेगा कि हमें फिर से यूरिन पास आउट करना है, तो इस तरह का फीलिंग देखने को मिलेगा, फटीग होगा, थकावट जैसा लगेगा, बैकेच होगा, कमर दर्द ये सब करेगा, और रे बाय द रेस्टिंग एंड बाय लेइंग डाउन। अगर ये सभी चीज को क्या होगा, अगर वो सब फीमेल्स को अगर आप बैठा देंगे या फिर लेटने बोल देंगे, तो उस टाइम में जो पेशेंट है उसको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे पहला सिम्टम्स में कि अगर कोई भी फीमेल्स है अगर इस कंडीशन में है और वो खड़ा रहेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि हमें प्रेशर लग रहा है हमारे पेल्विक और वेजाइनल एरिया में, लेकिन अगर उसे ले रेस्ट करवा देंगे या फिर लेइंग डाउन लिटा देंगे तो उस टाइम में उनको रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो बाय द साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, सेकंड पेल्विक एग्जामिनेशन करके, थर्ड यूरिन एनालिसिस या फिर यूरिन कल्चर के द्वारा करते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो कॉम्प्लिकेशन में यूरिन इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा एंड आगे चल के यह इन्फेक्शन वगैरह भी कॉज कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स थे साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक और कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप न्यू है तो आप बहुत सारे लेक्चर आप देख सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज है जैसे मेनोरेजिया हो गया, एमेनोरेजिया हो गया, ये सभी डिजीज का लेक्चर वगैरह बना हुआ है, प्लीज आप देखें, फार्माकोलॉजी का भी बहुत सारे लेक्चर में क्या करेंगे, तो सबसे पहला क्या करेंगे, एस्ट्रोजन थेरेपी देंगे जिससे क्या हो कि आफ्टर मेनोपॉज के बाद में जेनिटल एट्रोफी देखने को ना मिले। फिर बात करते हैं कि जो पेल्विक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के बताएंगे कि जिससे क्या हो कि जो पेल्विक का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो, इंक्रीज करे, तो इसलिए हमें उनको एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे। फिर बात करेंगे इफ सिस्टोसिल इज लार्ज एंड इंटरफेयर विद द ब्लडर फंक्शनिंग, अगर सिस्टोसिल्स लार्ज है और इंटरफेयर कर रहा है ब्लडर को, तो देन हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे इंटीरियर वेजाइनल वॉल को, यानी ये क्या, सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। फिर बात करेंगे इफ यूथ्रोसिल देन मैनेजमेंट, अगर उसको यूथ्रोसिल है तो क्या करेंगे, इंटीरियर रिपेयर करेंगे, पोस्टीरियर रिपेयर करेंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करेंगे, यानी इस तरह से ये सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, उसके पेन को कंट्रोल करेंगे और जो इनकॉन्टिनेंसी हो रहा है उसको, यूरिन पास हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने बात किया डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, इन सभी के बारे में बात किया। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा और कौन सा टॉपिक आपको जरूरत है, प्लीज हमें जरूर बताएं। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0।